हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर केरला ब्लॉग। मैं हूं श्वेता एंड आज हम लोग केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित कोवलम, जो अपने सुंदर बीचेस के लिए जाना जाता है, उसे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन आ चुके थे और वहाँ से कैब लेकर हम लोग अपने होटल पहुँच चुके थे। सो ये है हमारा होटल जो कोवलम बीच के पास है। कोवलम से तिरुवनंतपुरम का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, जिसको तय करने में आधे घंटे का समय लगता है। सो होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे हमारा जो कोवलम का पहला डेस्टिनेशन है, अझीमला शिवा टेम्पल। सो अझीमला शिवा टेम्पल कोवलम से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित विंजिम के पास है। और यह जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यह 58 फीट ऊँचा है और यह केरल का सबसे ऊँचा शिव मूर्ति है। और इस मूर्ति की डिटेलिंग मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। सो इतना सुंदर व्यू है, आप यहाँ पर आकर आपको एक अलग सा सुकून महसूस होगा और यहाँ की खूबसूरती को देखकर आप निःशब्द हो जाएंगे। सो चलिए साथ में इस व्यू को देखते हैं। अझीमला शिवा टेम्पल को देखने के बाद हम लोग अपने होटल वापस आ गए थे और नीचे आ गए अभी हम लोग लंच करने के लिए। सो ये व्यू आप देख सकते हैं, हमारे होटल के जस्ट नीचे का व्यू है ये। ये है समुद्र बीच और सामने जो आप देख रहे हैं वो है लाइट हाउस बीच। सो आप कोवलम में लाइट हाउस भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ भी जाकर घूम सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो अझीमला शिवा मंदिर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पुअर बैक वाटर और पुअर बीच है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने एलएपी में ऑलरेडी बैक वाटर का एक्सपीरियंस ले लिया था, सो हम पुअर बैक वाटर हमने स्किप किया। ये है गोल्डन सैंड बीच, जो पुअर का बीच है। एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ पुअर का बैक वाटर है। सो लंच करने के बाद हम लोग होटल गए, थोड़ा रेस्ट किया और अभी हम लोग इवनिंग के टाइम पर होटल में के नीचे आ गए हैं। और ये है आपका समुद्र बीच, यहाँ पर ऐसे बैठने की जगह भी बनाई हुई है। और यहाँ का सनसेट व्यू मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, चलिए साथ में एंजॉय करते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये है लाइट हाउस बीच, जैसा मैंने आपको बताया था। सो आप लाइट हाउस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर बैठने के लिए बनाया हुआ है। व्यू बहुत ही सुंदर था। सो हमने भी थोड़ा टाइम स्पेंड करा और यहाँ पर हम लोग अपने एनिवर्सरी के लिए आए हुए हैं एंड चीयर्स टू आवर 14 ईयर्स फ्रेंडशिप। सो हमने यहाँ पर थोड़ा स्पेशल टाइम स्पेंड करा और उसके बाद ये नाइट व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे होटल से दिख रहा था। सो होटल में रात में अराउंड 7 o'clock हम लोग निकल गए थे कोवलम का जो लोकल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। सो बीच के पास जो आपको लोकल मार्केट मिलता है किसी भी जगह, जैसे गोवा में या फिर कहीं पर, एग्जैक्टली उसी तरीके का मार्केट था। सो हम एक्चुअली मुझे हैट लेना था, लाइक नेक्स्ट डे मुझे हैट के साथ फ़ोटो लेनी थी। सो मैं पहुंच गई हूँ इस दुकान पर जो कि हवा बीच के पास है। सो ये दुकान पर जाकर मैंने हैट लिया और मुझे जो चाहिए था थोड़ा बहुत मैंने शॉपिंग करा। और जैसे ही मैंने इस बार केरला ट्रिप का प्लान किया था, मुझे था कि मुझे इस बार बीच पर साड़ी पहनना है। ऑल्दो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे पहनूंगी। सो आई थॉट कि नहीं, मुझे इस बार पहनना है। सो हम लोग मॉर्निंग में सुबह 6 o'clock मैं साड़ी वाड़ी पहन कर नीचे आ गई थी और थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करा मैंने। ऑल्दो फ़ोटोज़ अच्छी आ गई थी, बट साड़ी पहनना बहुत ही चैलेंजिंग था बीच पर। जैसे ही वेव्स आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी साड़ी खुल जाएगी या फिर नीचे पूरा लाइक सैंड का वो साड़ी के जो फॉल होता है उसके अंदर फंस के रह गया था। सो बहुत ही चैलेंजिंग था। फिर साड़ी चेंज करके हम लोग थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट लेके फिर हम लोग आ गए थे 10 मिनट की दूरी पर, ये जो मेन कोवलम बीच है वहाँ पर। सो मैं इस बीच की खूबसूरती आपको दिखाती हूँ। सो ये है आपका मेन कोवलम बीच और
यहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बट धूप काफ़ी जल्दी निकल गई थी यहाँ पर। लाइक ये सुबह 8 बजे का वीडियो है, आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज है। सो अगर आप बीच पर आते हैं तो आप सनस्क्रीन अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ की धूप काफ़ी तीखी थी और जब हम लोग केरल से वापस आए थे तो काफ़ी ज़्यादा टैनिंग भी हो गई थी। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो और आप लोग केरला सीरीज़ भी इंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ श्री पद्मनाभ और स्वामी टेम्पल के कुछ क्लिम्स शेयर करूँगी। सो कीप लविंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके बाय।